अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख वक्कास हुसैन मुरादाबादी। कैसे हैं आप सब लोग? ये देखें जी, मेरे पास लैड्स सेक्स की हेरिटेज ब्रीड, ये रहे मेरे चूज़े जो मैंने एक दिन के लिए थे। आज ये माशाल्लाह 2 महीने के हो चुके हैं। देखें जी, ऐसे पाले जाते हैं बच्चे। ये 2 महीने के चिक्स हो गए जो कि एक दिन के मेरे पास आए थे। आपके सामने है वैरायटी, वेट इनका और इनकी लेसिंग वगैरह, इनकी खूबसूरती देखें ज़रा, इनके लेग देखें कितने हसीन लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, देख रहे हैं किस कदर मज़े के लग रहे हैं। लग रहे नहीं लग रहे? हाँ तो जी, यहाँ ये मैंने 20 पीस लिए थे, 20 बच्चे, जिसमें से भाई साहब एक भी मोर्टैलिटी नहीं हुआ है, यानी कि एक भी नहीं मरा है, और आज भी 20 के 20 मेरे पास मौजूद हैं। ये देखें, इनकी फाइट कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं ये। और बाकी की ये रे, और भी दिखाता हूँ, ये रे हमज़ा भाई और बासित भाई, इस वीडियो को देखना ज़रूर आप लोग, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। शायद मैं समझता हूँ कि मैं वाइट पहला आदमी हूँ जिसकी एक भी ब्रीड मोर्टैलिटी नहीं हुई है, एक भी बच्चा। इस जगह में रहते हैं, ये इनका केज है, पानी की बोतल, और ये इनकी फीड की बोतल, और ये इनके अंदर का एरिया जिसमें मैंने 2 बल्ब लगाए हैं। काफ़ी एरिया है ये, 3x5 का एरिया है, 3x5 का एरिया। जी हाँ, आप बताएं, पाल लिए नहीं पाल लिए मैंने बच्चे? तो भाई मैं वैसे ही 5 बच्चों का बाप था, और ये 20 बच्चे मैंने और ऐड कर लिए। तो भाइयों, ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं, इनके लिए बाकायदा MBBS करना पड़ा मुझे। आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके लिए आपको MBBS करना पड़ता है। MBBS से मुराद ये नहीं है कि आप ज़रूरी है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। MBBS का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर वालिदैन और मतलब एनिमल्स लवर होना चाहिए। तो मैं एनिमल लवर हूँ, मैं जानवर से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनको इस तरह रख पाया। अगर मुझे इनसे मोहब्बत नहीं होती, अपने बच्चों की तरह मैंने इनको रखा है, तो ये शायद मेरे पास नहीं बच पाते। अब ये मेरे पास बच गए तो इसका मतलब है कि मैं MBBS हो गया हूँ, इनका डॉक्टर हो गया हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों से ज़्यादा हिफाजत इनकी करनी पड़ती है। जैसे अपने बच्चे रखते हैं आप, उस तरीके से अगर रखेंगे किसी भी चीज़ को दिल से, तो ज़रूर वो आगे की तरफ जाएगी। अब देखें कितना हसीन है, इनके नाम भी मैंने रखे हुए हैं, टोनी, माइकल, जैक्सन, जग्गा, शेरा, बंटी, फैंसी कपल, सुसेक्स कपल, इतने वैरायटी हैं भाई, ऐसी बात थोड़ी है। बड़े सारे नाम हैं मेरे, 20 नाम रखे हैं 20 चूज़ों के। माशाल्लाह, इनको ज़िंदगी दे और ये आगे की तरफ जाए, अपनी आबादी बढ़ाए मेरी तरह, जो ज़रूर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। बासित भाई, ये ख़ास तौर पे बासित भाई और हमज़ा भाई, लाहौर के लिए वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आप लोग खुश हो जाएं इस ब्रीड को देख के कि यार ये चीज़ हमने क्या भेजी थी इनके पास, वक्कास भाई के पास, और इन्होंने इनको क्या बना दिया। इनके वेट चेक कर लें, ये कम से कम 3 पाव का एक चिक्स है जो 2 महीने के अंदर मैंने इनका वेट बनाया है, जबकि ये 50 ग्राम का बच्चा था जो 3 पाव पर पहुंच गया है। अब इसमें कुछ हैं एक्स्ट्रा वेट पे भी हैं, जैसे 1 kg तक जो पहुंच गए। अब ये देख रहे हैं सामने चीनी मुर्गी है, ये भी एक चिक्स ही था मेरे पास, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा ही आया था ये मेरे पास, 2-3 महीने का आया था। अब ये चिक्स से भी बड़े हो गए, ये यानी कि चीनी मुर्गी से भी बड़े हो गए।
तो माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा साइज निकला है। और मैं इनको बहुत कुछ खाने को डालता हूँ, एक तो मेरा किचन वेस्टेज जो भी होता है, जो भी मेरा किचन वेस्टेज है वो मैं सब इन्हें डालता हूँ। ऊपर से फिर इनको फीड जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, फिर लार्वेज हैं, एंटीबायोटिक्स दवाएँ हैं, इनकी वैक्सीन है, इनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, इनके अंदर जो बीमारी नहीं आई किसी किस्म की, इस चीज़ का बहुत ख्याल करता हूँ। मैं आपको बार बार वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई साहब इनकी फीड का ख्याल, इनकी दवाइयों का ख्याल, इनकी वैक्सीन का ख्याल, जैसे आप अपने अपने बच्चे पालते हैं उसी तरीके से आपको इन्हें पालना पड़ता है, क्योंकि आप उसके लिए आपको एनिमल लवर होना चाहिए। अगर आपके दिल में इनके लिए जगह नहीं है, मोहब्बत नहीं है, जैसे आप 3 टाइम 2 टाइम खाना खाते हैं, अगर इनको भी ख्याल नहीं रखेंगे तो इनका बचना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं या इनकी हालत बुरी हो जाती है। अब देखिए इनका ना कलर ख़राब हुआ है किसी का भी, और माशाल्लाह इनकी लेसिंग वगैरह भी इतनी ज़बरदस्त है, पिंकिश इनके पैर हैं, देखें ऐसे खड़े हुए होते हैं जैसे कोई बड़ा जानवर, जानवर से मुराद बड़ा मुर्गा, मुर्गी जैसे खड़े होते हैं। ये 2 महीने के बच्चे हैं। अब दुआ करिएगा इनके लिए भी और मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक इनको आगे की तरफ ले जाए। शुक्रिया, मेहरबानी।